अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। लायक नहीं है ना हम तुम्हारे, तो पड़ी क्यों हूँ यहाँ पर? जाओ ना, जाकर रहो ना अपने अम्मी के घर पे और बढ़ाओ उस घर की शान। पहनो जो ताज पहना और इतराओ इधर उधर। इधर क्यों रुकी हुई हो? निकलो मेरे घर से, निकल। छोड़िए मेरी बाजी को। हफीज रुको, मदद कमजोरों की जाती है, बहादुरों की नहीं। तुम्हारी बहन काफी है इस कमजर्फ को सबक सिखाने के लिए। मैंने कहा आज मेरी हिम्मत मत आजमाइए। पीछे हटिए, आप तो अपनी हदें पार कर ही चुकी हैं। मुझे मेरी हद पार करने पे मजबूर मत कीजिए, वरना जिंदगी भर आप इस मंजर को याद करके रोती रहेंगी। बाप रे बाप, इसके अंदर जिन्नात आ गए रे बाबा, ये नहीं छोड़ती किसी को। मुझसे इज्जत से बात की जाए, इसी में आपकी भलाई है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप बड़ी हैं तो मैं कुछ भी सह लूंगी। जब जब एक बहू ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, उसे गालियां दी जाती है, वो तब भी ना रुके तो उसको धमकी दी जाती है, और तब भी ना रुके तो उसे जला के मार दिया जाता है। जितनी कमजोर बहुएं थी वो जल के मर चुकी। अब आपका सामना उस बहू से हो रहा है जो ना डरने वाली है और ना जलने वाली है। आप होती कौन है मुझे इस घर से निकालने वाली? जितना इस घर पे आपका हक है उतना ही मेरा भी है, और मैंने आपसे अभी कहा मुझे अपना हक बाखूबी लेना आता है। बस करो दुआ, वरना। वरना क्या? मेरे साथ भी वही करेंगी जो आपने गजल की अम्मी के साथ किया था? बहुत हुआ एहतराम, अब एक और जुल्म करके तो दिखाइए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि खुदा ने मुझे ये हाथ सिर्फ खुदा की खिदमत के लिए दिए हैं या ये अपनी हिफाजत करना भी जानते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।